मीटिंग बुलाई, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? सभी संगठनों के लोग यहाँ आपके बीच में आए। एक्चुअली बेसिक उद्देश्य बुलाने का ये था कि जो दलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति का जो समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, एक तो उनको सबको एकजुट करना, दूसरा उनकी आवाज़ सरकार तक ठीक से नहीं पहुंच पाती या टुकड़ों में सब लोग अलग अलग पहुंचाते हैं। हमने कोशिश की है कि सारे जितने भी अनुसूचित जाति के समाज हैं उनको, समाज को ना केवल एकजुट करें बल्कि सरकार में, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, कौन सी चीज़ों पर वो सुधार चाहते हैं, हम खुद घर बुला के उनसे सुधार के सुझाव ले लेते हैं और उसको सरकार में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उनकी एनर्जी बचे। उनको अपनी एनर्जी धरने प्रदर्शन पर लगाने की जरूरत नहीं है, उनको अपनी एनर्जी बच्चों को पढ़ाने पर लगाने पे, उनके जो सुझाव हैं जो समाज के विकास में उपयोगी रहेंगे वो सुझाव आज हमने इकट्ठे किए हैं, उसको हम सरकार के माध्यम से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि समाज का विकास हो सके, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। तो उसी दिशा में आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी। मंत्री जी, वो जो बाबा साहब के तीन एक श्लोक बोला करते थे कि शिक्षा लो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन आज आपने इस मीटिंग के अंदर ये कह दिया है कि इनको चलाने के लिए जो प्रस्ताव है, मैं आपसे मांग रहा हूँ उन प्रस्तावों को मुझे दें। एक तरफ कह तो मंच से कह दिया जाता है कि आप शिक्षित बनो, कैसे बनेंगे, पैसा नहीं होगा, तो आपने इस शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी बातें की हैं, और एक तरफ जो लोगों को लोन दिया जाता है उस बारे में भी आपने गारंटी हटा दी गई है, तो आप इनमें क्या कहेंगे? बेसिकली क्या कि स्कीम बनना अलग बात है, उस स्कीम का समाज के लिए इस्तेमाल होना, अच्छे से इम्प्लीमेंट होना, ये दूसरी बात है। तो सरकारें तो पहले से स्कीम बनाती आई हैं, मेरा प्रयास है वो स्कीम और अच्छी बने, क्यों ढंग से लागू नहीं हो पाई उसकी कमियां ढूंढ के उन कमियों को दूर करके समाज के हित में उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करवा दें, ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन करा दें। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में बड़ी गड़बड़ है, अखबार में स्कीम छप जाती है या होर्डिंग पे लग जाते हैं लेकिन लोग आते ही नहीं हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि ये विभिन्न संगठन जो एकजुट हुए हैं इनके माध्यम से उस स्कीम को जनता तक, घर घर तक पहुंचाना, हम उसको 100% इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और मैं समझता हूँ इस सभा का बहुत बड़ा उसमें भागीदारी होगी और हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। और सरकार जो कह के सत्ता में आई है और जो हम ईमानदारी से कोशिश सरकार कर भी रही है, हम उसको और बेहतर तरीके से समाज का विचार लेके, व्यूज़ लेके इम्प्लीमेंट करेंगे, और मैं समझता हूँ इसमें हम सफलता जरूर मिलेगी। सर, जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से ये अपील करूँगा कि आप अनुसूचित जाति के नाम पे एकजुट हों, वाल्मीकि, चमार, खटीक, कोली, इस नाम से इकट्ठे ना हों, छोटे छोटे जातियों के समूह बनाने की बजाय पूरा अनुसूचित जाति मिल के एक समूह हो जाए। और अगर पूछें आपकी जाति क्या है, अम्बेडकरवादी, एक अम्बेडकरवादी अगर हम कहना शुरू कर दें अपने आप को, तो हमारी इतनी बड़ी ताकत पूरे देश के अंदर है, पूरे देश के अंदर तकरीबन 40 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ लोग अगर अपनी छोटी छोटी जातियों को ख़त्म करके अम्बेडकरवाद के नाम पर बाबा साहब को अपना नेता मान के एकजुट हो जाएं, तो बाकी समस्याएं तो ऑटोमेटिक अपने आप ही समाधान हो जाएंगी। मंत्री जी, और जो नेता जो हैं आप उनके दायरे में आप अपने आप को कहाँ समझते हैं? जो अनुसूचित जाति से हैं, जो जीत कर आ जाते हैं और फिर वो पब्लिक की बात करते हैं, अनुसूचित जाति की बात करें, जनजाति की बात करते हैं, लेकिन आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, दो तरह के नेता हैं, एक वो जो कुर्सी के लिए प्रयास करते हैं, कुर्सी पाने के बाद वो अपना प्रयास खत्म कर देते हैं, उन्हें लगता है कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया। दूसरे वो होते हैं जो कुर्सी पर आने के बाद समाज के विकास के बारे में सोचते हैं लेकिन विभिन्न पार्टियों के दबाव में वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मैं थोड़ा तीसरी तरह का हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 34 साल समाज सेवा में गुजारे हैं और मैं कानून को बारीकी से जानता हूँ। 22 साल की वकालत करने के बाद मैं MLA बना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो चर्चाएं हम करते थे समाज के बारे में, जिसको इम्प्लीमेंट के लिए हम डिमांड करते थे बड़े बड़े प्रदर्शन करके, मैं सोच रहा हूँ अब तो मैं ही खुद मेरे हाथ में है कुछ करना, तो मैं इस बात का इंतजार क्यों करूँ कि लोग प्रदर्शन करके मेरे पास मांग लेके आए? मैं सोच रहा हूँ मैं वो सारी डिमांड खुद ही क्यों ना लागू करना शुरू कर दूँ। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे नेता भी हैं देश के अंदर और बहुत से केवल कुर्सी से चिपके हुए हैं, लेकिन जो अच्छे हैं हम सबको चाहिए कि उनको हम मजबूत करें, ताकत दें, ताकि वो समाज के विकास की योजनाओं को अच्छे से लागू कर पाएँ और उनको एहसास हो कि वो अपनी वजह से नहीं आए जीत के। अगर रिजर्वेशन बाबा साहब ना दिलवाते तो हम लोग MP MLA मंत्री बनना तो छोड़िए, गांव के प्रधान नहीं बन सकते। पहली बात ये समझ में आना चाहिए, रिजर्वेशन जो रिप्रेजेंटेशन टू द सोसाइटी है, इसका मतलब ये हुआ हम MLA MP मिनिस्टर वी आर रिप्रेजेंटिंग टू द सोसाइटी, जो पीछे समाज जिसकी वजह से हम आए हैं हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए योजना बना के अच्छे से लागू करनी पड़ेगी। और अदरवाइज उनको ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, ये कुर्सी ऐसे लोगों के लिए नहीं है।
सर अभी आपने बोला कि अगर मैं काम नहीं कर सका तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, आपने इतने जनता के बीच में बोला है कि आप निडर होकर बोला है कि आपकी मन इच्छा है कि मैं समाज का काम करूं। देखिए समाज का काम बचपन से करते आ रहे हैं और वो नहीं कर पाए तो कुर्सी का क्या करना है। कुर्सी तो वकालत की बहुत बढ़िया थी, पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे, वो तो वकालत करते। हम समाज सेवा पहले से कर रहे हैं, वकालत अपनी जमी हुई वकालत छोड़ के अगर हम आए तो समाज की सेवा करने के लिए आए। ये नहीं कर पाएंगे फिर कुर्सी पर बैठ के क्या करना है, खानी दो रोटी है। खुराक उम्र के साथ साथ आदमी की खुराक कम हो जाती है। डॉक्टर कहता है घी दूध बंद कर दो, दूध टोंड पियो, तला भुना मत खाओ, तो फिर कुर्सी से चिपक के केवल पैसे तक सीमित रहना तो फिर बेकार है। तो मुझे लगता है समाज के लिए कुछ करना चाहिए और मैं तो उसी के लिए आया हूँ। कम से कम नहीं कर पाऊँगा तो फिर मैं यहाँ क्या करूँ, छोड़ के अपनी वकालत में जाऊँगा वापस। बहुत अच्छी बात। राजेंद्र पाल गौतम जी जो मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति सहकारिता मंत्री और गुरुद्वारा चुनाव प्रबंधक कमेटी के, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में बोला है कि अगर मैं समाज का काम नहीं कर पाया तो मुझे मंत्री बनने का क्या फ़ायदा, मैं अपनी वकालत करूंगा। और ये आशय नहीं, 32 साल और 35 साल से लगातार हम इनको देख रहे हैं, समाज की पीड़ा इनके अंदर है, इन्होंने कानून को पढ़ा है, बाबा साहब को पढ़ा है, तो उन सब चीज़ों को लेके इनके मन के अंदर टीस है और समाज की टीस है, इन सब टीसों को देखते हुए। और उन्होंने एक चीज़ और एक बात और कहा कि मैं धरने प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखता, मुझे पता है कि मेरे समाज की हालत क्या है, उन समाज की हालत को देखते हुए मैं पहले से ही उन पर अडिल रहता हूँ, उन कामों को करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।